जय हिंद चिल्ड्रन हैप्पी मकर संक्रांति आई नो टुडे इज़ फोर्टीन जनवरी एंड यू ऑल माई बी बिजी विथ फ्लाइंग काइट्स मुझे पता है सब बच्चों को है ना काइट्स फ्लाई करना बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली आई ऑल्सो लाइक इट वेरी मच वो काइट फ्लाइंग करना वो जोर जोर से म्यूजिक सिस्टम बजाना तिलगुड़ की चिक्की खाना और गन्ना खाना ये सारी चीज़ें है ना बहुत मजा देती है और फ्रेंड्स के साथ काइट्स फ्लाई करना जो जाए एक आई पोछे वेरी मच फन है ना बट उसके साथ हमारी पढ़ाई भी तो मिस नहीं होनी चाहिए है ना सो आई एम हियर टुडे एंड आई एम वेरी हैप्पी टू विश यू हैप्पी मकर संक्रांति एंड विद दिस वी विल लर्न टुडे साइंस चैप्टर सिक्स एंड दैट इज़ मैटर इन स्टेट्स सो टुडे वी विल लर्न चैप्टर सिक्स ऑफ साइंस मैटर इन स्टेट्स दिस इज अबाउट मैटर एंड इट स्टेट्स स्टेट्स के बारे में आप लोगों ने सुना था वो एयर एंड वॉटर वाले चैप्टर में भी है ना कि मोलिक्यूल्स होते हैं वाटर के और वाटर थ्री स्टेट्स में अवेलेबल है आइस वाटर एंड वाटर वेपर है ना देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर उस टाइम भी मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था सो टूडे वी विल लर्न इट नाइसली सो लेट स्टार्ट वी सी अंबर ऑफ थिंग्स अराउंड अस आर दे सेम हाउ आर दे डिफ़रेंट हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं है ना तो क्या वो सारी चीज़ें सेम है नहीं तो वो किस तरह से एक दूसरे से अलग है यहाँ हमें है ना वो चीज़ों के डिफरेंस के बारे में नहीं देखना है हमें ये देखना है कि वो किस तरह से अलग है एक दूसरे से दीज थिंग्स आर डिफरेंट इन शेप साइज़ एंड कलर ये सारी चीज़ें एक दूसरे से या उनका शेप अलग होता है या उनकी साइज अलग होती है या उनका कलर अलग होता है है ना बहुत सारे डिफरेंस वैसे तो हम फाइन कर सकते हैं बट हियर वी नीड टू सी बट वन थिंग इज कॉमन दैट ऑल ऑफ देम ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट वेट मीन्स मास ओके सारी चीज़ें जो भी चीज़ है वॉट एवर थिंग्स यू टेक ओके कोई भी चीज़ आप ले लो तो उनमें एक चीज़ कॉमन है क्या है कि सारी चीज़ों को रखने के लिए जगह चाहिए कोई भी चीज़ हो फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर बॉटल ले लो तो उसको हवा में तो नहीं रख सकते अगर हवा में भी रखेंगे तो हवा में भी वो अपनी जगह बनाएगी और किसी चीज़ पर रखेंगे फॉर एग्जाम्पल टेबल पर तो टेबल पर भी उसे रखने के लिए जगह चाहिए किसी भी जगह पर आप उसको रखना चाहो तो पहले तो उसको स्पेस चाहिए ओके एंड इट हैज़ इट्स वेट किसी भी चीज़ का खुद का वेट होता है अगर हम गैस भी ले ले तो उसका भी वेट होता है है ना तो दो चीज़ें कॉमन है इन एवरी थिंग्स की ईच एंड एवरी थिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट वेट का मतलब होता है मास उसका मास होता है यानी कि वेट होता है नेक्स्ट एनी थिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट इज कॉल्ड मैटर कोई भी ऐसी चीज़ जिसको स्पेस चाहिए और उसका वेट हो उसको हम मैटर कहते हैं नाउ मैटर इज़ क्लियर इन योर माइंड कि मैटर क्या है एक्चुअली कोई भी ऐसी चीज़ जिसको भी रखने के लिए जगह चाहिए और जिसका वेट हो उसको हम मैटर कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग हम अपनी ही बात कर लें है ना तो हमारा वेट भी होता है थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा होता है सबका कोई मोटा होता है कोई पतलू होता है है ना तो सबका अलग अलग वेट होता है बट यस yes, सबका एक डेफिनेट वेट होता है और हमें कहीं भी खड़ा रहना हो कहीं भी बैठना हो कहीं भी लेटना हो तो हमें स्पेस चाहिए तो हम फिट बैठते हैं इन इस डेफिनेशन uh, में कि यस वी नीड स्पेस ऑल्सो एंड वी हैव वेट ऑल्सो सो ह्यूमन बींग इज द फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर मैटर नेक्स्ट इज वाटर वाटर ऐसी चीज़ है इसका भी वेट है यस yes. ओके okay. और इसको भी कहीं भी रखने के लिए जगह चाहिए कोई भी कंटेनर या फिर बॉटल कुछ भी वाटर हवा में नहीं उड़ सकता उसको जगह भी चाहिए सो अगेन इट फिट्स इन टू द डेफिनेशन ऑफ मैटर सो वाटर ऑल्सो नीड स्पेस एंड इट ऑल्सो हैज़ वेट सो इट इज़ ऑल्सो मैटर एयर एयर भी मैटर है कैसे एयर का भी वेट होता है ये तो आपने पहले भी देखा था लास्ट ईयर भी हमने नेवी एस में पढ़ा था याद करो याद करो कि बलून है इफ़ इट इज़ एम टी उसका वेट करो एंड फिर उसमें एयर फिल करने के बाद उसका वेट करो तो उसमें जो एयर फिल हुई उसका वेट होता है अगेन बॉल एम्पटी बॉल का वेट करो फिर बॉल में हवा भर दो फिर उसका वेट करो सो तो इससे हमें पता चलता है कि एयर का वेट होता है दूसरा इट ऑक्यूपाई स्पेस जैसे बॉल है उसमें हम हवा भर रहे हैं भरते ही जाएंगे, भरते ही जाएंगे भरते ही जाएंगे एक स्टेज ऐसा आएगा कि वो फुल हो जाएगा उसके बाद भी अगर हमने हवा भरी उसमें तो बम करके फट जाएगा अगेन साइकिल बाइसिकल आपकी होती है उसमें भी आप एयर फिल करते हो तो आप देखते हो ना कि कितना हुआ टायर टाइट अगर टायर जो है वो सॉफ्ट है तो आप उसमें ज़्यादा एयर फ़िल करते हो अगर टायर टाइट हो गया है इट मीन्स कि अब हमें रुक जाना है अगर कंटिन्यूसली भरते गए भरत गए गए तो उसमें भी ब्लास्ट हो सकता है सो एयर वाटर ह्यूमन बींग दीज ऑल थिंग्स आर मैटर नाउ मैटर समझ में आ गया वॉट इज मैटर है ना मैटर इज ऑल अराउंड अस हमारे आसपास सब जगह पर मैटर है इट इंक्लूड्स ऑल थिंग्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग उसमें सब कुछ आ जाता है लिविंग थिंग्स भी आ जाती है नॉन लिविंग भी आ जाती है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मोलिक्यूल्स अब ये सारे मैटर्स जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं सबसे छोटे से छोटा पार्ट है जो मैटर का उसको हम मोलिक्यूल्स कहते हैं क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट थिंग्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरह से अरेंज पाया जाता है वो अलग अलग मैटर्स में उसकी अरेंजमेंट अलग अलग होती है नेक्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर साइंटिस्ट क्लासीफाई मैटर इन टू थ्री मेन फॉर्म्स ऑफ स्टेट्स साइंटिस्ट जो है वो मैटर के थ्री मेन फॉर्म्स या थ्री मेन स्टेट्स बताते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस ये हम जानते ही हैं मैंने एयर वाटर वाले लेसन में भी बताया था कि देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड एंड गैस है न सो फर्स्ट वील लर्न अबाउट सॉलिड्स Anything that has a fixed shape and volume is called a solid. कुछ भी ऐसी चीज़ जिसका शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स हो उसको हम सॉलिड कहते हैं मॉलिक्यूल्स दैट मेकअप अ सॉलिड आर सिचुएटेड क्लोज टूगैदर सॉलिड बनाने वाले मॉलिक्यूल्स यानी कि सॉलिड के सबसे छोटे से छोटा पार्ट है ना उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से एकदम पास पास अरेंज होते हैं एक दूसरे से टच करके दे डू नॉट हैव स्पेस बिटवीन दैम उनके बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं होती है दैट इज वाई सॉलिड्स आर हार्ड इसलिए जो भी चीज़ सॉलिड होती है वो हार्ड होती है सॉलिड डू नॉट चेंज देयर शेप व्हेन मूव टू अनदर कंटेनर जो चीज़ें सॉलिड होती है अगर उसको एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में डालें तो उसका शेप चेंज नहीं होता है दैट इज दे हैव अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम इसीलिए कहते हैं कि सॉलिड के पास फिक्स शेप होता है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है ओके okay? वॉल्यूम मतलब जो उसको रखने के लिए जगह चाहिए वो ओके okay? सो so, अब सॉलिड के एग्जाम्पल्स देखते हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स के बिना तो एक्सप्लेनेशन अधूरा है सो एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड आर टेबल पेन कप बुक वुड पेंसिल इरेजर शार्पनर टेबल चेयर ब्लैक बोर्ड देन स्मार्ट बोर्ड ऑल दिस थिंग्स आर सॉलिड ओके जो भी चीज़ें ऐसी है जिसको दबाने से वो हम उसको स्क्वीज़ नहीं कर सकते सॉफ्ट नहीं है और उसका एक फिक्स शेप है और उसको रखने के लिए फिक्स जगह चाहिए तो ये सारी चीज़ें सॉलिड है ओके okay? सो नाउ द थिंग माइट बी क्लियर और ये जो है वो वी हैव ट्राइड टू शो यू द मोलिक्यूल पैटर्न ऑफ सॉलिड सॉलिड के जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह से एक दूसरे को पकड़ के एकदम यूनिटी में रहते हैं है, है ना ताकि उसका साइज एंड शेप चेंज ना हो सके सो दिस इज द पैटर्न ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड लिक्विड Anything that can flow easily and do not have fixed shape is called a liquid, but they have fixed volume. ऐसी कोई भी चीज़ जो ईजिली फ्लो हो जाए यानी कि बह जाए और उसका कोई फिक्स शेप नहीं है उसको हम लिक्विड कहते हैं बट यस लिक्विड का फिक्स शेप नहीं है बट उसका वॉल्यूम फिक्स है the molecules that make up a liquid are further apart than those of solids ab aisa kyu hai because jo liquid चीज होती है उसके जो molecules हैं वो solid के molecules से थोड़े दूर-दूर होते हैं जैसे solid के molecules हैं वो एक दूसरे से जॉइंट-जॉइंट होते हैं वैसे liquid के जो molecules हैं वो दूर-दूर होते हैं थोड़े हैंड्स लिक्विड्स आर एबल टू मूव फ्रीली और इस वजह से लिक्विड चीजें जो होती है वो फ्रीली मूव करती है मतलब बह जाती है दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट उसको जिस भी कंटेनर में डालो वो उस शेप का बन जाता है वाटर ऑयल मिल्क एंड जूस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स वाटर ऑयल यानी कि तेल मिल्क यानी कि दूध एंड जूस यानी कि कोई भी हम फ्रूट जूस ले ले तो वो तो ये सारी चीज़ें लिक्विड में आती हैं सोचो उसको किसी भी कंटेनर में डालो तो वो उस शेप की बन जाती है फॉर एग्जांपल बोतल में डालो तो वो बोतल का शेप ले लेती है ग्लास में डालो तो वो ग्लास का शेप ले लेती है और उसका वॉल्यूम फिक्स है यस अगर वन लीटर वाटर है तो अगर उसको बोतल में डालेंगे तो भी वन लीटर रहेगा बाल्टी में डालेंगे तो भी वन लीटर रहेगा कहीं भी डालें वन लीटर का वन लीटर रहेगा सो so, उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है बट उसका जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं है सो नाउ लेट्स सी द मॉलिक्यूल पैटर्न ऑफ लिक्विड देखो इसके मॉलिक्यूल्स जो है ना वो एक दूसरे से एकदम जॉइंट जॉइंट नहीं है थोड़ी थोड़ी जगह है उसके बीच में इसलिए वो इजीली फ्लो हो जाते हैं Now gas, anything that neither has fixed volume nor fixed shape is called a gas. ऐसी कोई भी चीज जिसका ना वॉल्यूम फिक्स है ना शेप फिक्स है है ना तो उसको हम गैस कहते हैं आपने मार्क किया बच्चों कि हमने सॉलिड से स्टार्ट किया था तो सॉलिड में क्या था शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स था फिर लिक्विड में गए तो लिक्विड में क्या हुआ शेप फिक्स नहीं है पर वॉल्यूम फिक्स है और गैस में गए तो दोनों ही फिक्स नहीं है तो मतलब ये हुआ कि गैस ऐसी चीज है जिसका ना कोई शेप है ना कोई वॉल्यूम है इट कैन फ्लो इवन मोर इजीली देन लिक्विड्स गैस जो है वो लिक्विड से भी ज्यादा इजीली फ्लो होती है मतलब आप एयर ले लो या कोई भी गैस ले लो नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी तो वो बहुत इजीली फ्लो होती है हवा ही ले लो हवा इज अ मिक्सचर ऑफ गैस एयर है ना तो एयर कैन फ्लो इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड एक्चुअली कंटिन्यूसली मूविंग एयर इज कंटिन्यूसली मूविंग ओके सो इट कैन फ्लो इजीली द मॉलिक्यूल्स दैट मेकअप गैसेज आर फारदर अपार्ट दे लिक्विड्स जो मोलिक्यूल्स एयर बनाते हैं वो लिक्विड से भी ज़्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से मतलब लिक्विड के जो मोलिक्यूल्स है जितने पास हैं उससे भी ज़्यादा दूर एयर के मोलिक्यूल्स होते हैं दे आर एबल टू मूव रैंडमली वो रैंडमली मूव करते हैं उसका कोई पैटर्न नहीं है मूवमेंट का जहाँ जिसको मजा आए वहाँ घूमता रहता है लाइक लिक्विड्स गैसेस फिलअप द एंटायर स्पेस ऑफ द कंटेनर दे आर कैप्ट इन जैसे लिक्विड को भी जिस भी कंटेनर में हम डालें उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं इस तरह से एयर का भी ऐसा ही है हम जिस भी चीज़ में फील करें वो उस शेप की बन जाती है जैसे बॉल में हमने उसको फील किया तो बॉल गोल है तो उसमें गोल शेप में ही एयर फील होगी फिर बाइसिकल के ट्यूब में फी, फील किया एयर को तो वो भी राउंड होए तो राउंड ही शेप होगा एयर का लाइक दैट गैसेज आर ऑल अराउंड अस गैसेस जो है वो हमारे अराउंड सब जगह है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस एयर जो है वो बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर सम एग्जांपल्स ऑफ गैसेस मैंने बोला ना कि ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड है हाइड्रोजन है नाइट्रोजन है क्लोरीन है ये सारे जो हैं वो गैसेस के एग्जांपल्स है अब चलो उसका मॉलिक्यूल पैटर्न देखते हैं क्योंकि वो रैंडमली मूव करते हैं तो वो बहुत अलग अलग रहते हैं एक दूसरे से किसी से कुछ किसी का लेना देना ही नहीं है छोटे छोटे घूमते रहते हैं है ना सो इट इज़ लाइक दैट नेक्स्ट द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर हमने जैसे एयर एंड वाटर चैप्टर में पढ़ा था कि वाटर जो है उसमें वन ऑक्सीजन एंड टू हाइड्रोजन होते हैं ओके okay? तो ये जो है आइटम्स सारे वो वाटर के मॉलिक्यूल्स दिखा रहे हैं ओके अब सबसे पहला जो है ना वो आइस है अगर वाटर को फ्रीज कर दिया अगर उसको आइस बना दिया तो आइस इज अ सॉलिड तो जैसे ही वो सॉलिड स्टेट में आता है तो उसका एक इस तरह से पैटर्न बन जाता है मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स है ना वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं फिक्स हो जाते हैं फिर अगर वो वाटर है तो वाटर लिक्विड फॉर्म है तो वो बहुत जुड़े हुए भी नहीं रहते हैं और बहुत दूर दूर भी नहीं रहते हैं। सो इट चेंज इट्स स्टेट अगेन अगर वाटर को बॉयल करें हम और उसका स्टीम में कन्वर्ट कर दें यानी कि वाटर वेपर बना दें तो फिर वो एकदम अलग अलग हो जाता है रैंडमली घूमने लगता है जिसको जैसे मज़ा आए वैसे सो दीज आर द थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर नेक्स्ट सॉलिड लिक्विड एंड गैस सी हीयर सब मॉलिक्यूल्स आप साथ में देख सकते हो और देख सकते हो कि किस तरह से उनका अरेंजमेंट होता है अगेन आई हैव पुट वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस हीट मेक्स मॉलिक्यूल्स स्प्रेड आउट एंड टर्न इन टू गैस किसी भी स्टेट को अगर हम हीटअप करें यानी कि गर्म करें गर्मी दे तो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपांड होते हैं स्प्रेड हो जाते हैं अलग अलग होने लगते हैं ओके और अगर सॉलिड या लिक्विड किसी को भी हीट करें तो हम उसको नेक्स्ट यानी कि गैस में कन्वर्ट होते हैं कोल्ड मेक्स मॉलिक्यूल्स क्वीज़ टुगेदर एंड टर्न लिक्विड और सॉलिड अगर उससे उल्टा गैस को अगर हम ठंडा करें तो वो लिक्विड में और फिर और अगर फ्रीज करे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है मतलब मतलब ये हुआ कि किसी भी मॉलिक्यूल्स को अगर हम हीटिंग करें तो वो अलग अलग होने लगते हैं मतलब उसका कन्वर्जन सॉलिड में से लिक्विड और लिक्विड में से गैस में होता है अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स को कूल cool करें हम तो उल्टा होता है गैस में से लिक्विड और लिक्विड में से सॉलिड में कन्वर्जन होता है यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो स्क्वीज होने लगते हैं एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं एकदम नजदीक नजदीक आने लगते हैं ओके ना माइक्रोस्कोप अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो किसी भी मैटर के मॉलिक्यूल्स हमें कुछ इस तरह से देखेंगे जैसे सॉलिड के एकदम जुड़े हुए लिक्विड के थोड़े से अलग अलग और गैस के ज्यादा रैंडम नाउ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस टू मेक यू मोर क्लियर फर्स्ट जो है वो सॉलिड का बॉक्स है सो हैड पेंसिल टेबल स्नोफॉल एप्पल बाइसिकल कंप्यूटर ट्री हाउस केटबोर्ड ये सारी चीज़ें जो है वो सॉलिड है बिकॉज उसका शेप एंड साइज दोनों फिक्स है नेक्स्ट इज लिक्विड जो राउंड में है वो सो मिल्क ड्रिंक वाटर इन दूल दैन हॉट ड्रिंक जूस हॉट चॉकलेट सूप रेन ये सारी चीज़ें हैं लिक्विड स्टेट दैन द नेक्स्ट इज गैस तो विंड यानि कि हवा एयर हॉट एयर बलून स्टीम विंड फ्राम द फैन फोग विंड ये सारी चीज़ें जो हैं वो गैस के अंदर आती है सो नाउ इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि सॉलिड लिक्विड एंड गैस क्या है वो किस प्रकार से एक दूसरे से उसके मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं व्हाट इज द पैटर्न एंड हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दैम ओके सो लेट्स मूव अहेड अगेन सम मोर एग्जांपल्स फॉर सॉलिड लिक्विड एंड गैस वुड कैटल स्टोन चॉय कार ये सारी चीज़ें सॉलिड है देन रिवर कॉफी बकेट ग्लास ये सारी चीजें जो है जिसके अंदर लिक्विड है है ना रिवर मतलब वाटर लिक्विड है कॉफ़ी मतलब जो कप के अंदर कॉफ़ी है वो लिक्विड कॉफ़ी है बकेट के अंदर जो वाटर है वो लिक्विड है एंड ग्लास के अंदर जो वाटर है वो भी लिक्विड है गैस तो गैस सिलेंडर होते हैं फिर गैस पंप होते हैं ड्रम होते हैं गैस के फिर फायर जो है उसमें से गैस निकलता है ये सारी चीज़ें गैस देन गैस जो है द एटम्स इन गैस आर स्प्रेड आउट एंड मूव फ्रीली बलून का एग्जाम्पल देखे हमें दिखाया है कि उसके अंदर जो हमने एयर फिल की है उसके मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से होंगे कि वो जो एटम्स है वो फ्रीली मूव करते हैं इजीली स्प्रेड हो जाते हैं अगर उसका माउथ हम ओपन कर दे तो बाहर निकल जाएंगे एयर के एटम्स लिक्विड द एटम्स इन द लिक्विड आर क्लोज टूगेदर दे स्लाइड अराउंड एक दूसरे के पास पास रहते हैं और एक दूसरे के पास पास ही घूमते रहते हैं देन सॉलिड द आइटम्स इन सॉलिड आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर दे बॉन्ड टुगेदर एंड डू नॉट चेंज द शेप सॉलिड के जो तो आइटम्स होते हैं वो एक दूसरे के एकदम नज़दीक नज़दीक पैक्ड होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं वो अलग नहीं होते वो अपना शेप चेंज नहीं करते अगेन सॉलिड लिक्विड एंड गैस को थोड़ा हम डिफरेंस के जैसे देख लें सॉलिड जो होता है वो रिजिड होता है ओके okay? उसका शेप फिक्स्ड होता है एंड वॉल्यूम भी फिक्स होता है इट कैन नॉट बी स्क्वास्ड मतलब उसको हम दबा नहीं सकते प्रेस नहीं कर सकते ओके लिक्विड इट इज़ नॉट रिजिड सबसे पहले वो रिजिड नहीं होता है नो फिक्स शेप उसका शेप फिक्स नहीं होता है जिस भी कंटेनर में डालो उसका शेप वो एक्वायर कर लेता है फिक्स्ड वॉल्यूम वॉल्यूम फिक्स है उसका कैन नॉट बी स्क्वाश उसको भी हम स्क्वाश नहीं कर सकते देन गैस गैस इज नॉट रिजिड नो फिक्स शेप नो फिक्स वॉल्यूम एंड इट कैन बी स्क्वाश उसको हम स्क्वाश कर सकते हैं सो so, हियर अब तो आपको एकदम अच्छे से माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि सॉलिड लिक्विड एंड गैस क्या है नाउ चेंज ऑफ स्टेट्स मैटर कैन बी मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉम टू अनदर मैटर जो है उसका स्टेट चेंज हो सकता है एक में से दूसरे में जैसे मैंने अभी बताया ना कि अगर हम किसी भी मैटर को हीटअप करें तो वो अलग अलग यानी कि एक्सपांड होने लगते हैं और किसी भी मैटर को अगर हम कूल डाउन करें तो वो एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं उसके मॉलिक्यूल्स अ सॉलिड चेंज इज इन टू लिक्विड ऑन हीटिंग थ्रू अ प्रोसेस कोल्ड मेल्टिंग सॉलिड जो है उसको अगर हम हीटिंग दें यानी कि गर्मी दे हीटप करें गर्म करें तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है और उसको हम मेल्टिंग कहते हैं सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल आइसक्रीम का है अगर आइसक्रीम को हम फ्रीज़र में रखें तो वो अच्छे से रहती है अगर उसको हम बाहर निकालें एंड अगर गर्मी के दिन है तो वो तुरंत ही मेल्ट होने लगती है धीरे धीरे वो लिक्विड बन जाती है अ लिक्विड वेन हीटेड बिकम्स गैस अगर लिक्विड को हम बहुत ज़्यादा हीट करें तो वो गैस बन जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर वाटर को अगर हम गैस पर रखें और उसको बॉयल करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि वाटर एकदम ख़त्म हो जाएगा सारा वाटर वेपर बन जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज कोल्ड इवापोरेशन इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं ये नाम कहीं सुना हुआ लगता है येस वॉटर साइकिल में आप पड़ चुके होपोरेशन जैसे सन लाइट जो है सन की हीट से हमारा सारा सरफेस वॉटर हीटअप होता है फिर उसमें से वाटर वेपर बन के आसमान में जाता है तो दैट इज़ ऑनली इवापोरेशन और गैस वैन कूल्ड बिकम्स अ लिक्विड बाई अ प्रोसेस कोल्ड कंडेशन गैस को अगर हम ठंडा करें तो वो लिक्विड बन जाता है और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं ये भी हमने वाटर साइकिल में पढ़ा है कि वाटर पेपर जब आसमान में जाती है क्लाउड्स में भर जाती है ओके और जैसे ही वो कूल cool हो जाता है तो उसमें वाटर वेपर का फिर से वाटर बन जाता है फिर वाटर ड्रॉप्स बन के वो क्लाउड्स में भर जाता है सो इट इज ऑनली द कंडेंसेशन सो य इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन बॉथ हार इनवर्स प्रोसेसिस मतलब उल्टी सुल्टी प्रोसेस है एक में वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्जन होता है और एक में वाटर वेपर का फिर से वाटर बनता है वैन वी फ्रीज अ लिक्विड इट बिकम्स अ सॉलिड अगर हम लिक्विड को फ्रीज कर दें यानी कि फ्रीजर में रख दें तो वो सॉलिड बन जाता है दिस प्रोसेस इज कोल्ड फ्रीजिंग इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑन हीटिंग आइस चेंजेस इन टू वाटर यानी कि आइस को अगर हम गर्म करें तो उसमें से वाटर बन जाता है जो कि लिक्विड है आइस सॉलिड है विच फर्दर हीटिंग चेंजेस इनटू स्टीम अगर वाटर को और भी हम हीट अप करें तो वो स्टीम बन जाता है वन स्टीम इज कुल्ड डाउन इट चेंजिज इन टू वाटर अगेन यानी कि जब अगेन स्टीम को हम ठंडा करें तो वो फिर से वाटर बन जाता है और अगेन वाटर को फ्रीज कर दे तो वो आइस बन जाता है सो दीज आर द चेंज ऑफ स्टेट्स यानी कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट में कन्वर्जन अब इसको अच्छे से समझने के लिए एक और पिक्चर देखते हैं चेंजिंग ऑफ चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर सबसे पहले सॉलिड यानी कि आइस क्यूब है वो मेल्ट होता है तो उसमें से लिक्विड यानी कि वाटर बन जाता है वाटर जो है उसको हीटअप करें तो उसमें से गैस वाटर वेपर या स्टीम कुछ भी बोल सकते हो आप वो बन जाता है दैट इज इवापोरेशन अगेन गैस चेंजेस इनटू वाटर वेपर वाटर वेपर से वाटर बन रहा है तो दैट इज़ कंडेंसेशन एंड अगेन वाटर को हम फ्रीज़ करें तो सॉलिड बन जाता है आइस दैट इज़ फ्रीजिंग सो मेल्टिंग एंड इवापोरेशन कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू यस आई होप एवरीथिंग इज़ वेरी मच नाइसली क्लियर हियर एंड सो हियर वी एंड ऑफ विद द चैप्टर अगेन आई विश यू वेरी हैप्पी मकर संक्रांति टू यू एंड योर फैमिली खूब एन्जॉय करो बच्चा ओके एंड हैव अ नाइस डे हेड हाँ बट स्टे होम स्टे सेफ अपना ध्यान रखना है ओके गुड बाय एंड अ नाइस डे हेड कीज बाय